हाजिर हूँ मैं यानी तनवीर शेख आपके अपने यूट्यूब चैनल की मार्केट पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, व्हाट्सएप में जैसे कोई हमारे पास लिंक भेजता है तो उसका नंबर सेव नहीं होता है, नया नंबर से हमारे पास मैसेज आता है और उसमें लिंक आता है, ठीक है। तो उस लिंक में क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आता है, आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। तो उसको कैसे क्लिक करेंगे बिना नंबर को सेव किए हुए, ठीक है। नंबर सेव नहीं करना पड़ेगा आपको, विदाउट नंबर सेव हम लिंक को ओपन करके आपको दिखाएंगे कैसे करना है, ये आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा आपको और आपके फैमिली को मेरे तरफ से ईद मुबारक, आज ईद का दिन है इसलिए, ठीक है। तो चलिए आप फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर दें बिना आपका टाइम वेस्ट किए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूँ और व्हाट्सएप इस तरीके से ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वही चैट सामने आ गया क्योंकि मैं इसे पहले खोला हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ बार बार लेकिन कोई भी क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। और वैसे भी क्लिक होना रहता है तो यहाँ पर ग्रीन रहता है, लिंक जो है ग्रीन होता है, नंबर सेव करने के बाद फिर लिंक ग्रीन हो जाता है, उसके बाद हम लिंक पर क्लिक कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जादू आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिना नंबर सेव किए हुए आपको थ्री डॉट वाले बटन पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर चले आते हैं हम थ्री डॉट वाले बटन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया लिंक एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स होगा, DOCS है तो डॉक्यूमेंट ही होगा, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक करना है, चलिए हम उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मीडिया अगर किसी ने कुछ भेजा होगा, फोटो वगैरह या वीडियो, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स भेजे होंगे तो यहाँ पर आएगा, और लिंक भेजे होंगे तो यहाँ पर आएगा। तो लिंक भेजा है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिंक आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया है, लोगो भी आ गया कि हाँ ये फ्री फायर का कोई लिंक है, ठीक है। फ्री फायर का लोगो आ गया है और यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जो है आपसे पूछ रहा है किस तरीके से आप ओपन करना चाहते हैं, ब्राउज़र से या फिर क्रोम ब्राउज़र से या फिर वीडियो डाउनलोडर से। तो यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक किया और जस्ट ऑन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। या फिर दोबारा से हम क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक कर सकते हैं, इस तरीके से भी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये ओपन हो रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये ओपन हो गया। एक और तरीका बताने वाला हूँ, दूसरा तरीका भी है जिससे हम लिंक को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके के लिए आपको क्या करना है, इस लिंक पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जो मैसेज है उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद कॉपी पर क्लिक करना है। जैसे कॉपी पर क्लिक करेंगे मैसेज कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहीं पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसको दोबारा से इसी को सेंड कर देंगे। तो जैसे ही सेंड करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए लिंक जो है ग्रीन हो चुका है, अब हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, अब ये क्लिकेबल लिंक हो चुका है। तो इस तरीके से भी हम जो है लिंक को क्लिकेबल बना सकते हैं विदाउट नंबर सेव किए हुए। तो देखा फ्रेंड, इस तरीके से आप जो है किसी भी लिंक को ओपन कर सकते हैं बिना अपने व्हाट्सएप में किसी भी नया नंबर को सेव किए हुए, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं तनवीर शेख आपको फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।